आज की ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, इन राज्यों में होगी बारिश। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। राजधानी दिल्ली में भी तापमान लगातार गिर रहा है, लोगों ने यहाँ पर ठंड के कपड़े जो है धीरे धीरे भी निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा। दिल्ली का मौसम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, जिसका मतलब लोगों को सुबह और रात के समय ठंड लगेगी। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर ओर से सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवर्ती तूफान जो है मिथिली वो उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ गया, जिसने यहाँ पर 17 तारीख को जो है 2:30 से 3 बजे के बीच खोपुरा के पास बांग्लादेश की सीमा को पार कर लिया है। अब ये कमजोर जो है वो बढ़ गया है। वही मौसम विभाग की ओर से जानकारी जो दी गई उसके मुताबिक इसके कारण देश के कई इलाकों में जो है हल्की मध्यम बारिश जो है इस तूफान कारण हो रही है। वही दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व की दिशा की ओर आगे बढ़ने से अगले 6 घंटों के दौरान दक्षिणी असम और इससे सटे मिजोरम और त्रिपुरा में अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव के क्षेत्र में कमजोर होने की ये उम्मीद है। वही दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे सटे श्रीलंका के तट पर यहाँ पर श्रीलंका पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसी चक्रवर्ती परिसंचरण से निचले सुबमंडल स्तर तक त्रिपुरा और सटे बांग्लादेश और मिजोरम पर दबाव से जुड़ी चक्रवर्ती परिसंचरण तक एक ट्रप रेखा चलती है। वह दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। वह आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वह तमिलनाडु में भी हल्की मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वही केरल में भी हल्की मध्यम बारिश के आसार है। लक्षद्वीप और दक्षिणी कर्नाटक, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी हल्की बारिश हो सकती है। वह अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दिल्ली और NCR की जो वायु गुणवत्ता है उसमें भी यहाँ पर सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। वही उत्तर भारत में ठंड जो है बढ़ सकती है, देश के कई हिस्सों में कोहरा भी देखने को मिलेगा। वही कल से जो है कोहरा छाने से ठंड बढ़ने की भी उम्मीद जताई गई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो है ठंड जो है इसमें बढ़ोतरी होने के आसार जताए गए हैं। बात अब राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है बादलों के साथ चल रही है तेज हवाएं, प्रदेश में गिरा है तापमान, ठंड है बरकरार। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बादल छाने लगे हैं। वही यहां पर हवा तेज चलने की वजह से यहां पर रात में ठंड महसूस हो रही है। अगले 2 दिनों में रायपुर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का असर जो है किसी तरह से बड़ा बदलाव इसकी उम्मीद नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी समाप्त होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। वही अभी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के निष्क्रिय होने के बाद पुणे यहाँ पर नया सिस्टम बनने की संभावना है और रात के तापमान फिर यहाँ पर बढ़ोतरी के आसार जताए गए हैं। तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तापमान को लेकर जो है बढ़ोतरी के आसार लगाए जा रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान के मौसम की, तो आगामी 24 घंटों में किस तरह का रहने वाला है राजस्थान का मौसम। तो बता दें आपको कि राजस्थान में जो है सर्दी ने जोर पकड़ दिया है। वही सुबह के वक्त कई इलाकों में जो है ठंड बढ़ चुकी है। वही मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई उसके मुताबिक आगामी 24 घंटों में प्रदेश में स्मोक की स्थिति जो है वो और ज्यादा यहाँ पर गंभीर होने के आसार, यानी जो धुंध जो है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी होने के आसार जताए गए। धुंध में बढ़ोतरी के आसार जो है राजस्थान में जताए गए हैं। फिलहाल तापमान की बात करें तो प्रदेश में यानी राजस्थान के अंदर सबसे कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू में दर्ज किया गया है। वही अभी सुबह शाम और रात को ठंडी हवाओं का दौर राजस्थान चलता है। दोपहर को हल्की धूप से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आती है। वह प्रदेश में उत्तरी हवा से न्यूनतम तापमान लुढ़क रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पारा 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। वही 10 जिलों में पारा 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान जो है माउंट आबू में दर्ज किया गया जो कि 6 डिग्री था। वह इसके बाद फतेहपुर और सीकर में भी तापमान जो है कम रहा है। इसके साथ ही राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तापमान में और भी गिरावट की बात कही है। यह राजस्थान के मौसम को लेकर ये एक बड़ा अपडेट जो है वो निकल के सामने आ रहा है। बात करते हैं यूपी और उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो आखिर यूपी में कैसा रहने वाला है मौसम। तो बता दें आपको कि यूपी में ठंड की दस्तक ने यहाँ पर तापमान जो है वो गिरा दिया है। वही नोएडा और गाजियाबाद में हवा जो है बिगड़ चुकी है। दरअसल बात यह है कि नवंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में मौसम में ठंड दस्तक दे दी है। वही अब धीरे धीरे तापमान में गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल राज्य के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों जो है दोपहर के समय
जहाँ धूप के कारण थोड़ी राहत है, तो वही सुबह और शाम के वक्त तापमान में गिरावट के साथ मौसम काफी सर्द हो गया है। वही मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखी जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आने वाले कुछ दिनों में मौसम और ठंडा रहने के आसार है, ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वही अभी मौसम विभाग ने इसको लेकर यहाँ पर जो ठंड है उसकी बात यहाँ पर कही, ठंड में बढ़ोतरी की बात करी। आगामी दिनों में यूपी में इस तरह का मौसम यहाँ पर बदलाव जो है यूपी में जो है देखने को मिलेगा। बात करते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हवा का रुख भी यहाँ पर बदल चुका है। दरअसल बात यह है कि एमपी में भी लगातार मौसम जो है पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कुछ दिनों से लगातार जो है मौसमी बदलाव जो है एमपी में देखा जा रहा है। आगामी 24 घंटों के दौरान नवंबर के यहाँ पर आगामी 24 घंटों में ठंड बढ़ने के आसार है। नवंबर के अंत तक यहाँ पर तेज ठंड पड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। दरअसल बात यह है कि नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलाव देखने को अभी मिलेगा और कई जिलों में बादल वगैरह छाए रहने के आसार जताए गए हैं। यानी बादल छाए रहने के आसार जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वही मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है कि आगामी दिनों में जो है एमपी में बादल वगैरह छाएगा और तापमान में उतराव चढ़ाव का दौर जो है वो जारी रहने के आसार जताए गए हैं।